ब्रिक्स सम्मेलन से पहले आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुछ 16 करार हुए हैं, लेकिन सबसे अहम समझौता मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 का हुआ है। इस करार के साथ ही भारत की सैन्य शक्ति और मजबूत हो गई है। रूस भारत को 5 S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। ये मिसाइल 3 तरह की मिसाइल फायर करने में सक्षम है। इसके जरिए एक के बाद एक 36 टारगेट लगाए जा सकते हैं। इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। ये सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन को अटैक करने की क्षमता रखता है। रूस से इस सिस्टम को खरीदने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। पिछले साल चीन ने $3 अरब की डील पक्की की थी। S-400 सिस्टम S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। पहले ये सिर्फ रूस में उपलब्ध थे। इसके अलावा दोनों देशों ने 200 कामोव हेलीकॉप्टरों के संयुक्त उत्पादन के लिए करार पर दस्तखत किए हैं। रूस से मिलने वाले कामोव AKA-226 हेलीकॉप्टर भारत की संयुक्त शक्ति को बढ़ाएंगे, जिसका निर्माण भारत में ही होगा। इसके अलावा दोनों ने 4 नौसैनिक फ्रिगेट और वायु रक्षा प्रणालियों की खरीदारी के लिए करार किए हैं। ऊर्जा, विद्युत, पोत निर्माण, अंतरिक्ष और स्मार्ट सिटी पर सहयोग के विभिन्न समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इंडियन नेवी को ये फ्रिगेट काफी ताकतवर बना देंगे और भारत करीब करीब चीन की बराबरी पर आ जाएगा। 40,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूसी कहावत है कि पुराने दोस्त नए दोस्तों से बेहतर हैं। रूस के साथ हमारी ऐतिहासिक दोस्ती रही है। पुतिन और मैंने कई मुद्दों पर चर्चा की। हम दोनों के बीच बातचीत काफी कंस्ट्रक्टिव रही। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर रूस ने भरोसा जताया है। पीएम ने कहा कि सिविल न्यूक्लियर पावर कुडनकुलम 2-3-4 के लिए रूस के साथ समझौते किए गए हैं। हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। भारत के पुराने दोस्त रूस के साथ आज महाडील हुई है। माना जा रहा है कि इससे भारत के रक्षा क्षेत्र को काफी मजबूती मिलेगी, साथ ही भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।